बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिज़िक्स के सेकंड टाइम के पेपर के साथ हाज़िर हुए हैं इंग्लिश विद सर आसिफ लसन यूट्यूब चैनल पे। डियर व्यूअर्स, एक रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, लाइक करने से आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा इंशाल्लाह। ओके जनाब, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यूज की जानिब बढ़ते हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम इज डबल्ड इट्स टाइम पीरियड विल बी, ए ऑप्शन सही था ये 2πT, ये वाला जो आपका ए ऑप्शन फर्स्ट एमसीक्यूज का बिल्कुल सही है। सेकेंड एमसीक्यूज है जी, द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ द सेम लाउडनेस एंड पिच इज कॉल्ड, दूसरे का बी ऑप्शन सही था जनाब, क्वालिटी इज कॉल्ड क्वालिटी। थर्ड एमसीक्यूज की जानिब बढ़ते हैं। द इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर इज, सी का भी तीसरे का भी ए ही था, रियल इमेज बनता है जनाब। थर्ड एमसीक्यूज। फोर्थ एमसीक्यूज की जानिब बढ़ते हैं। टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 12 जो भी आपके सामने है एंड 6 ये यूनिट आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद 12 वोल्ट बैटरी, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज, ये आपके सामने ऑप्शंस हैं चार और इसमें सबसे एंड पे जो है 18, ये वाला ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन फोर्थ का बिल्कुल सही है। फाइव एमसीक्यूज की जाने बढ़ते हैं हम। फाइव है जी, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस ये वैल्यू रजिस्टर व्हेन 6 ऑफ द करंट पासेस थ्रू इट, तो 5 MCQs का ऑप्शन नंबर सी 18 वोल्ट बिल्कुल सही है आपके सामने। पांचवें का सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 6 की हम बात करते हैं जनाब। 6 आ गया भाई, 6 आ जाए शहजादिया। द एप्लीकेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज, 6 का बी है जी, ट्रांसफार्मर कहलाता है। विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम हम आगे बढ़ते हैं। 7th, बुलियन एक्सप्रेशन फॉर NAND गेट इज, NAND गेट के लिए बुलियन एक्सप्रेशन क्या होती है, तो ये ए वाला सही है, एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी बॉर, ये शायद फर्स्ट यूनिट में भी इस तरह का एक आया हुआ था फर्स्ट पेपर में मॉर्निंग वाले में। 8 MCQs है जनाब। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम इज, यानी कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के अज्जा कितने होते हैं। 8 का सी ऑप्शन सही है जी, 5। और 9th MCQs की जाने बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस हैज मोर पेनिट्रेटिंग पावर, तो 9th में आपके पास ए सही है जी, गैमा रेज जिन्हें कहा जाता है। और 10th MCQs की बात करते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन, ये वैल्यू दी हुई है R, तो ये आप सॉल्व करके मुझे लाजमी बताइएगा 10th वाला कि आपने सही किया कि नहीं, और मेरे से भी ऑप्शन सही है कि नहीं, तो ये 10th वाले का डी है जी, 92 मेरी नज़र में, तो बहरहाल आप देख लीजिएगा। और 11 की जानिब हम बढ़ते हैं। 11 है जी, अ करंट ऑफ 3 एम्पेयर इन इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर फॉर 1 मिनट, व्हाट इज़ द चेंज इन वायर, तो 11वें का जो है वो बी है, 180 ये सेल्सियस या जो भी सी है आपके सामने, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन 11 का। और उसके बाद हम लास्ट एमसीक्यूज की जानिब बढ़ते हैं जो कि 12 एमसीक्यूज था। और इसके बाद हम सब्जेक्टिव पेपर की बात करेंगे, वो भी आपको मैं शो करवाऊंगा। द यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी इज, साउंड इंटेंसिटी का यूनिट क्या है आवाज़ का जनाब, तो ए ही था ये वाला आपके सामने जो ए ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन था। तो ये जनाब आपके सामने मैंने ऑब्जेक्टिव पेपर 2022 का एनुअल लाहौर बोर्ड का फिजिक्स का इवनिंग सेशन का मैंने पेश किया सॉल्व करके। उम्मीद करता हूँ आपको ये हेल्पफुल होगा। उसके बाद हम सब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो ये आपके सामने जनाब सब्जेक्टिव पेपर हाजिर खिदमत है, इसमें आपने काइंडली खुद ही पढ़ लेना है क्योंकि आपका भी मैं टाइम बचाता हूँ। ये दूसरे के शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखे हुए हैं और उसके बाद थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने जनाब ये रख दिए। और फिर हम देख लें जी, तो व्यू ले लें इसका अगर देना चाह रहे हैं। और फोर्थ क्वेश्चन के 5 अटैम्प्ट करने थे आपने, वो भी आपके सामने ये हैं। आप मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको पेपर कैसा हुआ और आपको फर्स्ट टाइम का आसान लगा कि सेकंड टाइम, क्योंकि इसी चैनल पे सेकंड टाइम और फर्स्ट टाइम दोनों ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मौजूद हैं।
और इंग्लिश का बहुत कुछ मौजूद है जी। फर्स्ट ईयर का भी इंशाल्लाह अपलोड करूँगा मैं, किया हुआ भी है बहुत कुछ ग्रामर का, 9th 10th का तो ऑलरेडी मौजूद है जी हर चीज़। सेकेंड पेपर इसमें ये था जनाब, लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके सामने है, लाजमी बताइएगा कि कैसा आपका पेपर हुआ। ये 5वां क्वेश्चन है, ये 6 क्वेश्चन है आपके सामने, न्यूमेरिकल्स भी पेश खिदमत है। और उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो था, ये भी आपके सामने है जनाब, ये लास्ट 7 है। नहायत आसान था, मुश्किल था, आपको पता आपका सब्जेक्ट था जी। मैं तो कोशिश करता हूँ कि आपको, स्टूडेंट मेरे 10th लेवल के हैं इसलिए उनके लिए आसानी पैदा हो। बहरहाल जी दुआओं में याद रखिएगा, अगर आपका पेपर अच्छा हुआ तो फिर भी बताइएगा, नहीं अच्छा फिर भी बताइएगा। और वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करिएगा और चैनल सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। जज़ाकअल्लाह जनाब, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। गॉड ब्लेस यू, अल्लाह ताला आपको हर मैदान में कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा।